नकली नोट गिरोह के मास्टरमाइंड को केरल से किया गया गिरफ्तार। जहां आपको बता दें कि घटना सीएसपी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत की है। 31 दिसंबर की रात को साप्ताहिक बाजार में घटित हुई थी। एक युवक ने 100 रुपए के नकली नोट को एक व्यापारी को थमा दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने नकली नोट चलाने वाले रमेश कमलेश व गुलाब अहिर को गिरफ्तार कर लिया। उनसे 17,500 रुपए के नकली नोट और नोट बनाने वाली मशीन बरामद की गई। इसकी भनक लगते ही गिरोह का मास्टरमाइंड राय बहादुर फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को गिरोह के सरगना की लोकेशन केरल के त्रिशूल जिले में मिली। पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अभी केरल से एक लड़के को पकड़ के लाया गया है, क्या है मामला और कब से फरार है? ये बुधवारी बाजार में 31 दिसंबर 2020 के रात्रि में बुधवारी बाजार में नकली नोट चलाते हुए पकड़ाए थे। 3 आरोपी थे, उसमें 2 उसी रात को पकड़ा गए थे, एक फरार हो गया था, केरल मिल गया था, उसी को लेके आया है। कितने कितने रुपए के नकली नोट इनके द्वारा चलाया गया था और कितने की राशि कुल चलाई गई थी नकली? इन तीनों के द्वारा 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के कुल 17,500 नोट नकली नोट जब्त किया गया था और एक प्रिंटर, कलर प्रिंटर जब्त किया गया था। कैसे पता चला कि ये केरल में है और केरल से लाने के लिए टीम क्या स्पेशल बनाएंगे थी? हाँ, ये केरल में इसका मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया, साइबर सेल से जानकारी मिला था, उस आधार पे आईजी महोदय का अनुमति लेके केरल गए थी टीम में इसको। केरल के त्रिशूर जिला में पजेन्नूर थाना क्षेत्र में इसका लोकेशन था, वहीं से पकड़ के लाए। क्या जब इसको पकड़ने गए थे ये भागने की कोशिश किया कि नहीं? उसको मालूम ही नहीं था, वहाँ के लोकल पुलिस के सहयोग से जो मौका जहाँ ये निवास कर रहा था वहीं पे इनका जो एजेंट था, एजेंट या ठेकेदार, उसके साथ पास सीधा संपर्क किए, मोबाइल नंबर के आधार पर इसका वहीं मिल गया, उसके भागने का मौका नहीं मिला उसको।